सो गाइज, आज के इस प्यारे से व्लॉग में हम जाने वाले हैं फार्म हाउस, और फार्म हाउस में जाके हम भाई इतना मजा करने वाले हैं ना, आप पूरा व्लॉग एंड तक देखना बस, ठीक है। चलो फिर आज के इस प्यारे से व्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज कैसे हो आप सभी लोग, होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ गाड़ी से, और गाड़ी से कर रहा हूँ तो कहीं जा ही रहा हूँ। तो आज हमारे साथ है हमारे बोनी भैया और हमारे किशोर भैया, और आज बोनी भैया बताएंगे हमें, आज हमें भैया कहाँ लेकर जा रहे हो आप? आज मैं अपने भाई को लेके जा रहा हूँ अपने फार्म हाउस पे। भैया का फार्म हाउस है और इतना प्यारा फार्म हाउस है ना, भैया ने फोटोज में दिखाया मेरे को, इतना सही फार्म हाउस है ना, वहाँ लेके जा रहे हैं। लोकेशन ना विजयपुर बता रहे भैया, तो जा रहे हैं और मजा आने वाला है। भैया आपके फार्म हाउस में क्या क्या चीजें यार बता दो। आपको फार्म हाउस में हर एक चीज मिलेगी देखने के लिए, जो आपको चाहिए वो पूरी ए टू जेड चीज मिलेगी। गाइस आज है गर्मी बड़ी, ठीक है, आपके और आपको स्विमिंग पूल तो पहले फर्स्ट नंबर पे मिलेगा। ये स्विमिंग पूल भी है, मजा आने वाला गाइस। जब हम निकल रहे थे रिंग रोड से, यहाँ से हमने बाईपास कर देना पूरे जम्मू को, और कसम से अपने जम्मू में ना बड़ी खतरनाक वाली तरक्की, बड़ी खतरनाक वाली डेवलपमेंट हो रही है यार, सही में। अभी हम निकल रहे हैं ना यहाँ से, और आप रोड देखो भाई, देखो कितना तगड़ा रोड है, बिल्कुल सीधा रोड है, और रोड में आपको जाते जाते साइड साइड में इतने तगड़े तगड़े सीनिक व्यू, इतने प्यारे नजारे मिलेंगे ना, मैं क्या बताऊँ आपको, खुद देखो आप। ये देखो ये साइड में सिर्फ आपको खेत मिलेंगे, खेतों में लगे चावल, ये देखो सारे चावल लगे हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है व्यू यार सही में। यहाँ से हम सीधे मुड़ जाएंगे, यहाँ से सीधे जाएंगे ये रोड घूम के। भाई कहाँ जाएगा ये रोड, कहाँ निकलेगा? राया मोड़ विजयपुर वाली साइड से निकलेगा। बाकी आप देखो कितना सुंदर व्यू, और ये हमें पूरे रास्ते में खेत ही खेत मिलेंगे ना, वाह यार सही में, पूरे रास्ते को एंजॉय करते करते जाएंगे यार, मजा। आज का व्लॉग ना बहुत ही ज्यादा सही होने वाला है, आप पूरा व्लॉग एंड तक देखते चलो बस। फाइनली अभी हम पहुंच गए फार्म हाउस में, और भाई कहाँ जंगलों के बीच में फार्म हाउस है। गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं फार्म हाउस में, जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो ये खुला सा फार्म हाउस है, और यहाँ पे हम बैठने की जगह थी एक, आओ यहाँ पे भाई, इतना मजा आया ना मुझे बैठने। ये देखो गाइस यहाँ मैं बैठा, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे झूले, झूले वाली चेयर है यहाँ पे, और आसपास इतनी शांति है ना, इतना मजा है ना गाइस इधर कसम से, इतने मोर जो है वो ची 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 मतलब चिल्ला रहे हैं, आपको मोर भी दिखाएंगे अगर मिल गए तो। बाकी ये बैठने की लोकेशन है यहाँ की, आ जाओ मेरे पीछे पीछे, आ जाओ आ जाओ मेरे पीछे पीछे गाइस। ये देखो ये है यहाँ पे पूरा फार्म हाउस, वहाँ उस साइड एक स्विमिंग पूल भी है वो, वहाँ वहाँ पर आ जाओ मेरे पीछे पीछे। और ये देखो यहाँ पे आप ना आकर पार्टी कर सकते हो, मज़ा कर सकते हो गाइस। अभी जून जुलाई की छुट्टी आएंगी ना, फिर आप यहाँ पे पक्का आना, बहुत सही लोकेशन है, ठीक है, आ जाओ मेरे पीछे। ये देखो यहाँ पे बैठने की लोकेशन देखो गाइस, बिल्कुल नेचुरली बनाई हुई है, ये टेबल बनाया है पत्थर का, और ये यहाँ पे मैं बैठा, जैसे अगर किसी फ्रेंड का बर्थडे है मेरे, ठीक है, मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। और देखो म्याऊं, और देखो मोर के पास पीछे मोर है, वहां पे आपको दिखाऊंगा मोर अगर मिल गया तो। बाकी यहाँ पे आप बैठ सकते हो। गाइज मेरे पीछे आप दो जो दो हट देख रहे हो ना, यहाँ पे आप रह सकते हो, यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो, उसका प्राइस मैं आपको आगे बता दूंगा, पहले आओ मेरे पीछे। आपका भाई भी यहाँ पे जरूर आएगा रहने के लिए एक दिन यार, कसम से मस्त लोकेशन है यार, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये लोग ये है एक हट बनी हुई है, और यहाँ पे हट के अंदर आओ, कितनी प्यारी हट बनी है देखो गाइस, ये पूरी हट है, और यहाँ पे बेड है जहाँ पे आप मेरी तरह आकर सो सकते हो, एंजॉय कर सकते हो ये। और यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो आप, कैंपिंग भी कर सकते हो, कैंपिंग वो पीछे कैंप्स लगे हैं, आओ कैंप के पास चलते हैं भाई, कैंपिंग कर सकते हैं। ये सही चीज़ लगी मेरे को गाइस, क्योंकि मैं ये चीज़ ट्राई करना चाहता था, कैंपिंग करना चाहता था, और यहाँ पे मुझे कैंप मिल गया पीछे, ठीक है, आओ का कैंप देखते हैं, आ जाओ भागते भागते गाइस। ये देखो ये लगे कैंप यहाँ पे, ये देखो ये देखो ये कैंप लगे हुए हैं भाई, यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हो। आ जाओ अंदर गाइस, ये है दूसरा वाला टेंट यहाँ पे, आ जाओ। ये देखो गाइस अभी मैं आ गया स्टैंड के अंदर, और आप मेरे पीछे देखो पूरा एक बिस्तर है, और यहाँ पे लोग रुके थे ना, यहाँ रुके थे कल लोग, ये देखो यहाँ रहे थे लोग रात को, दिन में बहुत गर्मी होती टेंट के अंदर, पर ऐसे बाकी देख सकते हो गाइस। देखो यहाँ पे आपका भाई लेटा हुआ है, और इतना मजा आ रहा है ना मुझे यहाँ लेटने का। ये देखो एक दो मिनट के लिए मैं चुप होऊंगा, और यहाँ की शांति चेक करना आप,
जैसे अभी मैं सोया हूँ। देखो जरा भी आवाज नहीं आ रही, कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल कच्ची सी जगह है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैंप था यहाँ पे, बाकी अगर आप भी आना चाहते हो तो आप भी आ सकते हो गाइस यहाँ पे। लोकेशन मैं आपको बताता हूँ एंड में वीडियो की, और अब आपको दिखा देता हूँ मेन चीज जो है यहाँ पे। गाइस अभी हमने कर लिए कपड़े चेंज, और आप मेरे पीछे देखो यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, और ऐसी लोकेशन में स्विमिंग पूल में नहाने का सोचो कितना मजा आएगा। ऊपर धूप चमक रही है, बिल्कुल सूरज चाचा जो है बहुत तेजी से चल रहा है, अभी बड़ी गर्मी लग रही है, अभी चलते हैं और पूल में छलांग लगाते हैं। आ जाओ ये, आ जाओ बुधू। गाइस कसम से यार मज़ा आ रहा है नहाने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे यार, इतनी शांति है, ऊपर से ये स्विमिंग पूल इतनी ज़्यादा हरियाली वाली जगह पे है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे अगर आप फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा आओगे ना तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, फ्रेंड्स के साथ आना है अगर आना भी होगा तो। बाकी वीडियो एंड तक देखो, मैं लास्ट में लोकेशन बताऊँगा आपको। गाइज अभी मुझे पूरा एक घंटा हो गया स्विमिंग पूल में नहाते नहाते, और इतना मज़ा आ रहा है ना नहाने का, कसम से इतना मज़ा आ रहा है ना, नेक्स्ट लेवल यार। और ये जगह ना समर्स के लिए बेस्ट है, गर्मियों के लिए ये जगह बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे गर्मियों में स्विमिंग पूल में रहो और आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी यार, क्या लोकेशन है यार। सो गाइज अभी हम खा रहे हैं फार्म हाउस में बैठ के यहाँ पे रोटी, और रोटी देखो रोटी में हमारी मिक्स सब्जी। गाइज हम रोटी तो खा रहे हैं यहाँ पे बैठ कर, जो मज़ा आ रहा है ना, ये चेयर देखो ये झूले वाली, और अपने आसपास मोरों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, और साथ में हर जगह ग्रीनरी है और इतनी ताज़ी हवा है ना यार, मज़ा आ गया। और ये देखो ये रोटी है, अभी हम खाते हैं और आपको स्वाद बताते हैं। ये भी फार्म हाउस वाले भैया ने हमें बना के दिए, जो ओनर है जस्सी भैया, उन्होंने बना के दिए है। गाइज अभी हम जा रहे हैं हल्दियों को कूटने के लिए, निकालने के लिए ज़मीन से, ज़मीन में लगी होती हल्दी जो हमारे घर में यूज़ होती है ना, वही हल्दी वही। चलो आओ दिखा, चलो आ जाओ आराम से आ जाओ। कहाँ पे है, कहाँ लगी, कहाँ पे है? चलो भाई इधर 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 पे, इधर इधर यार भाई ये लगी है, लगी। गाइज गाइज हमें मिल गई हल्दी, ये देखो ये देखो गाइज, ये होती है हल्दी हमारे घर में जो यूज़ होती है ना हल्दी, ये हल्दी ये अभी हमने ज़मीन से निकाली आपके सामने, और ये रही पूरी। ओ भाई खुशबू भी वैसी है, तो इसको सुखाएंगे पहले। हाँ सुखाएंगे, इसको सुखाएंगे फिर उसके ये हल्दी बन जाएगी। फिर हम तोड़ रहे हैं यहाँ से सब्जियाँ, यहाँ पे इन्होंने सब्जियाँ भी लगाई है। भाई फार्म हाउस होने का ना एक फायदा नहीं, हजारों फायदे होते हैं यार अगर बंदे का फार्म हाउस होता है तो। जैसे कि यहाँ पे भैया तोड़ रहे हैं, भाई क्या चीज़ है ये, क्या तोड़ रहे हो? मूंगरे। मूंगरे ये लगा प्याज, यहाँ पे ये प्याज लगा हुआ है, ये लगी है मूली। गाइस हमारे साथ है अभी भैया का नाम क्या है? जसवीर सिंह। जस्सी भैया हमारे साथ, और जस्सी भैया का ये पूरा फार्म हाउस जो मैंने आपको दिखाया ये जस्सी भैया का ही है, और जस्सी भैया हमें बताएंगे यहाँ का रेट वगैरह। भैया क्या रेट है यहाँ पे, मतलब हट्स का? हम हट का लेते हैं कोई 1000 से 1200 तक चार्ज करते हैं, उसमें स्विमिंग पूल एक दिन का। हाँ एक दिन का अपना, उसमें स्विमिंग पूल सब कुछ ऐड है जो जो मैंने बताया ब्लॉग में। ब्रेकफास्ट भी, अच्छा ब्रेकफास्ट भी दे दोगे? हाँ। वाह यार सही में। गाइज अगर आप आते हो ना वेकेशंस के लिए और वीकेंड में यहाँ पे जरूर आ सकते हो, जैसे जून जुलाई की छुट्टियां पड़ेगी ना यहाँ पे जरूर आ सकते हो, मैंने आपको ब्लॉग के जरिए मैंने आपको बताया।